हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल ट्विंकल फैमिली चैनल। सो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, मुझे कमेंट में बताना। तो मैं बस नहा के आई हूँ और नहा के आज मैंने नाइटी पहनी हुई है और ये मेरे हैं फ्लिप फ्लॉप जो मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ अपनी कुछ वीडियोज़ में। और यहाँ पे मैं जो है वो करने जा रही हूँ, अब नहा के आके सीधा मैं अपना दुपट्टा लेके सीधा, चाहे मैं कोई भी ड्रेस पहनी हूँ, आज तो मैंने नाइटी पहना है, मैं कोई भी ड्रेस पहनी हूँ मैं सीधा से जाती हूँ अपना नहाने, नहाने के बाद पूजा करने। तो यहाँ पे अब मैं जाऊँगी पूजा करने फटाफट से, और मैं सुबह नहा के दीपक जलाना मेरे लिए एक ये कंपलसरी है मेरा, चाहे कुछ भी हो जाए पूजा करनी ही करनी है। तो किचन में जाऊँगी, किचन में पहले हाथ धोऊँगी, उसके बाद दुपट्टा ओढ़ूँगी, चप्पलों को साइड में उतारूँगी अपने, और उसके बाद अपनी पूजा स्टार्ट करूँ। इनको मैं घर में पहन के रखती हूँ, तो इनको अभी मैं साइड रख दे रही हूँ क्योंकि पूजा करने जा रही हूँ और पूजा करने में चप्पल तो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए पूजा कर लेते हैं फटाफट से हम। हनी हमेशा मेरे साथ पूजा के टाइम पे रहता है क्योंकि हनी जग जाता है, और यहाँ पे माचिस ना इतना ड्रामा कर रही थी, जल ही नहीं रही थी। और आज मैंने नाइटी पहनी थी बिकॉज मैंने कहा बहुत गर्मी रहती है, चलो आज नाइटी पहन लेते हैं, और देखो आज ना हवा चल गई इतना कि बस हो ही नहीं पा रहा। तो नहा के मैं बाल वाल कुछ नहीं बनाती, सिर्फ सीधा हाथ धो के अपना फटाफट से पूजा करने आ जाती हूँ। कैमरे में आपको लग रहा होगा कि मैं पूजा उल्टी कर रही हूँ, मतलब आरती, बट ऐसा नहीं है, ये फ्रंट कैमरा होता है तो इसमें फ्लिप होके हमें चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। मैं इसको वीडियो को फ्लिप कर देती हूँ एक बारी, ये देखिए हो गया भैया सीधा। एक्चुअल में ये एग्जैक्ट पोजीशन है हमारे घर की और ये एग्जैक्ट चीज़ें हैं सारी, तब से वो थोड़ा सा अलग दिख रहा था आपको, तो अब ये है बिल्कुल सही हो गया है, अब बिल्कुल भी ऐसे नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे हमारी पूजा हो गई है। तो अब मैं चलती हूँ अपने काम की ओर, पहले तो मैं तैयार होंगी थोड़ा अच्छे से। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना इसका श्रग भी लिया है ऊपर से जो एक रहता है, और ये मेरे को थोड़ा सा ना अच्छा सा लगता है, इसका लुक थोड़ा सा ना अलग सा। वैसे ये फ्लिप फ्लॉप जो है हमारी बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है, पर मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा आपको इसका लिंक भी दे देती हूँ। वैसे तो मैंने दिखाए थे सारे, इनके प्रॉपर रिव्यू भी किए थे आप लोग के साथ, बट ये पैरों में भी सुंदर रहती है और पैरों को बड़ा कंफर्टेबल फील कराती हैं। तो अगर आप चाहते हो तो दे दूंगी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे ही देती हूँ, दे दूंगी क्या दे दूंगी, तो आप चेक कर लेना, अगर किसी को बाय करना हो तो बाय कर लेना, ठीक है। और मेरा एक मैंने बात की है वैसे अभी आपसे आगे, आप देखना एक बारी, कुछ लोग ना बिना चीज़ों की जानकारी के जज कर लेते हैं, और ये बहुत ना गलत एक सोच है लोगों की कि बट ये अच्छा नहीं लगता है कि ऐसे यार पहले सामने वाले के देखो कि वो ऐसा है नहीं है, बट फिर भी ना एक कहते हैं ना कि लोगों जैसे और बाकी लोग करते हैं ना, तो वैसे ही लोगों को लगता है कि ये भी वैसे ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना मेरे को लग रहा था कि मेरे पैर में ना कुछ लग गया है, बट ऐसा नहीं था, मेरे को लग रहा था क्योंकि हो जाता ना चिपक जाता है कुछ पैरों से, तो पैरों में चलो तो अजीब सब पता चलता है वैसे ही। तो बस मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी, मैं थक जाती हूँ, बहुत जल्दी थक जाती हूँ, मेरे एक अंदर की आदत है। फिर उसके बाद मैं यहाँ हमेशा मम्मा के साथ आते हनी आप बना लूँगी बाल खोल के, और छोटी बनाने के बाद मैं अपना तैयार होके नॉर्मल सा मेकअप कर लूँगी। सो गए नहा धो के हो गए रेडी, और आज मैंने नाइटी डाला है, आज नाइटी इसलिए डाला है, वैसे तो इसको दोनों तरीके से पहन सकते हैं, बट मैं वो वाला इसलिए नहीं पहन रही थी, ऐसे करने से ना वो मतलब बहुत ज़्यादा लाइट कपड़ा है ये, और वैसे भी एक लास्ट वीडियो में मेरे साथ एक इशू हो गया था, मेरा थंबनेल चेंज नहीं हो रहा था, तो हमारे कुछ व्यूअर्स में ढे भर मार के तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुमसे ये नहीं था, तुमसे वो नहीं था, ऐसा कि व्यूज़ के लिए कुछ भी, मतलब बहुत ऐसा उल्टा पुल्टा आने लगा। वैसे अच्छा मैं पूछते मर जाऊँगी कि कुछ अच्छा हो तो बताएं, कुछ अच्छा हो, कोई कमी हो वैसी तो बताएं, लेकिन नेगेटिव कमेंट फर्स्ट आ जाते हैं। पर हाँ, कुछ ने ऐसे भी बोला था कि दीदी आप चेंज कर लो ट्विंकल, तुम चेंज कर लो, तब कुछ ने अच्छे भी बोला था, लेकिन कुछ तो भरमारी ही कर देते हैं। खैर वो मेरा एक फॉल्ट हो गया था, नहीं हो रहा था चेंज बाय मिस्टेक, मतलब ऐसा होता है जब हम अपलोड करते हैं तो एक पिक्चर तो आती आती है, मैं चेंज करती हूँ, मेरे को YT स्टूडियो में दिखा रहा है कि चेंज हो गया, बट YouTube पे नहीं चेंज हो रहा था, बट फाइनली फिर वो 2-3 घंटे बाद ऑटोमेटिकली हट गया, और थैंक गॉड।
ठीक है। तो और पर पता है, मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगी, उस पिक्चर में मुझे ऐसा लगता है कि कोई वल्गैरिटी उस पिक्चर में नहीं थी। कोई बोल रहा था ना कि अंग दिखा रही है या चप्पल दिखा रही है, तो पहले आप अपने जाके आंखों का टेस्ट कराएं कि उसमें मेरे सिर्फ नी तक पैर दिख रहे थे। आप अपनी आंखों को अगर कोई अनजान एक नजर में देखेगा तो वल्गैरिटी है, बट अदरवाइज अगर आप उसको ठीक से देखेंगे तो उसमें मेरा कोई भी बॉडी पार्ट शो नहीं हो रहा है, सिर्फ मेरे नी है, वो नी और पैर है वो नीचे से, और अदरवाइज कुछ नहीं, शॉर्ट ड्रेस हर कुछ बोलते हैं। बट हाँ, वो पोज थोड़ा सा ऐसा है जो लगता है। हाँ बेटा, बिस्कुट चाहिए, बट कुछ लोगों का कहते हैं ना कुछ कर नहीं सकते हैं, और जिन्होंने ऐसे बोला मेरे को कि मैं चेंज कर दो, तो मैंने किया, मैंने पहले ही चेंज कर दिया था, आप लोगों के बोलने से पहले ही मैंने चेंज कर दिया था, बट वो नहीं हो रहा था, तो मैं क्या कर सकती हूँ, अब वीडियो डिलीट नहीं कर सकती हूँ, अब मालूम पड़े मैं दोबारा अपलोड करूँ तो फिर से वही आए, तो इसलिए मैंने वेट किया, मैंने कहा थोड़ी देर बाद देखते हो चेंज होता है तो हो जाएगा। पर ये वाला जो नाइटी के ऊपर का जैसे पार्ट होता है ना, ये वाला, तो ऐसे में ऐसे जापान में ऐसे ही ना उनका ट्रेडिशनल जो रहता है ना, एक ट्रेडिशनल कपड़ा पहनने का ड्रेस जो होता है, वो भी ऐसे ही कुछ इस टाइप का ही होता है ना, आपने देखा होगा, तो कुछ इस टाइप का ही होता है, वो काफी अच्छा लगता है। सो अभी मैं किचन में जाऊंगी, काम करूंगी अपना, और आज देखो नाश्ते में शायद चाउमीन बना देती हूँ, और चाउमीन बना देती हूँ, और खाने में चावल और वो दाल तड़का और रोटी ऐसे बना देती हूँ। चलो चलते हैं किचन में। चलिए तैयार हो गए, बातें हो गई, सब काम हो गया, फिर से वापस से चलते हैं अपने किचन में। और पहले मैं ना ये वाली स्लीपर्स जो है वहाँ पे उतारी थी, हनी ना मतलब यहीं उतारी थी, हनी वहाँ पे लेके आ रख गया था, तो मैं यहाँ से दूसरी वाली स्लीपर पहनूंगी। ये भी काफ़ी कंफर्टेबल है, एकदम फ्लैट है, घर में पहनने के लिए बहुत अच्छी है, तो इनको पहन के अब मैं किचन में अपना काम करूंगी, और भी काम है जो भी घर के वो निपटाऊंगी। तो मेरा मन होता है जो मुझे पहननी होती है, जो अच्छी लगती है, मैं उन्हें पहन के काम करती रहती हूँ, जिन पर भी मैं, तो बस आगे अपने किचन में काम करने के लिए। और यहाँ पे मैं थोड़ा सुबह में चाउमीन बना रही हूँ, मतलब मैंने बताया था, और हनी आपको हर जगह मेरे साथ दिखेगा, वो मतलब ऐसा है जैसे कि एक बच्चे ना, बचपन में सारे ही ऐसे होते हैं, बचपन में तो ये लगता है कि माँ के बिना बच्चों की दुनिया नहीं होती है, और दुनिया मतलब जब बड़े हो जाते हैं वो दुनिया जान जाते हैं, तो उस दुनिया के अलावा उनके लिए कोई कुछ नहीं होता है, मम्मी हो की कुछ नहीं होती है, चाहे मैं हूँ या कोई और हो, सबको यही होता है, हर किसी को यही फेस करना पड़ता है लाइफ में, ये मैंने एक देखा है। तो बस यहाँ चाउमीन हो गई है, और यहाँ पे मैं जो है अब किचन में अपना काम करने लगूँगी। मैंने अपना वो जो दाल बनाई थी वो भी बॉयल हो गई थी, बस चाउमीन कर लूँ। अच्छा, ये पैरों में नाइटी ना बड़ी अटकती है, ये एक बड़ा पंगा है, नाइटी पहनने का एक बड़ा पंगा है कि पैरों में अटकती है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कभी कभी कर देती है, जल्दी जल्दी हाथ पैर नहीं चलते, या फिर ऐसा होता है कि मेरे को आदत अब बहुत कम रह गई है, मैं बहुत कम पहनती हूँ, पहले मैं बहुत पहनती थी, अब बहुत कम पहनती हूँ, तो इसीलिए हो सकता है मे भी कि आदत छूट गई, तो इसलिए मेरे से लग रहा हो मुझे ऐसा। और दूसरी चीज़ मैं बताऊँगी कि कुछ लोग मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जैसे कि समझते हैं मेरी चीज़ों को, तो मुझे मेरी बातों से उन्हें ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा प्रॉब्लम में हूँ, और मेरी बातों से समझ के मुझे पूछ लेते हैं। तो देखिए, मैं कभी भी ऐसी नौबत ना आए, भगवान करे कि मेरे को अपने YouTube पे बहुत कुछ शेयर करना पड़े, और मैं चाहती भी नहीं हूँ ऐसा कुछ भी कि ऐसी नौबत आए कि मुझे अपने YouTube पे अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर, पर्सनल बातें, मतलब एक समझ रहे हो, डीपली पर्सनल जो होती हैं, एक नॉर्मल पर्सनल होती है, एक डीपली पर्सनल होती है, जो हम दीवारों को भी पताने लगने देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मतलब तमाशा खड़ा कर देते हैं, दुनिया को बता देते हैं, दुनिया को कर देते हैं, पर कुछ नहीं करना चाहते हैं तो नहीं करने देना चाहिए उनको, यही अच्छा है। तो यहाँ पे चाय बन गई है, चाउमीन बन गई है, और दाल बन गई है, ऑलमोस्ट नाश्ते की तैयारी हो चुकी है। बस मैं बन मना ही कर रही थी टैनी के पापा को कि ये वाली चाउमीन मत लेके आया करो, ये अच्छी नहीं बनती है, थोड़ी सी ना ये अलग से हो जाती है, अजीब सी हो जाती है, ये जो एक बननी चाहिए ना खुल के वो नहीं बनती है, ये सिर्फ आलू और चाउमीन मसाला, वो मैगी मसाला और चाउमीन है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो बस ट्राईपॉड को साइड रख देंगे हम अपना, और नाश्ता लेके चल देंगे बस किचन में खाने, ओ किचन में कह रही हूँ, किचन से सारा नाश्ता लेके अपने, बस यहाँ पे अपना नाश्ता करूँगी मैं बैठ के आराम से मस्त, और अपना खा पी लेंगे, और एक नाश्ता जब कर लो ना उसके बाद थोड़ा सा काम करो तो थोड़ी एनर्जी टाइप हो जाती है। और यहाँ हनी को भी चाहिए नाश्ता, तो मैं उसको बोल रही थी जाओ पापा के पास जाके खाओ, मतलब हर टाइम मम्मा मम्मा अच्छा नहीं लगता है, मैं भी थोड़ा सा ना इरिटेट और परेशान हो जाती हूँ बच्चों के साथ में,
तो मैं यहाँ पे ऐसे बैठ के आराम से अपना नाश्ता कर रही हूँ। इस तरीके से मैं कंफर्टेबल होके खा लेती हूँ, मतलब एक स्टूल और ऐसा। अब इतना स्पेस नहीं है कि घर में कि हम चेयर्स लाएं, तो इसलिए मैं चेयर नहीं लाई हूँ। बट हम जल्दी कुछ अरेंज करने वाले हैं, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी जल्दी ही। यहाँ पे देख सकते हैं टैनी माता मेरे स्लीपर पहन के काम कर रही है। उसने देखा मम्मी भी पहन के काम करती है तो मैं भी क्यों ना पहन के काम करूँ। तो बर्तन रखने आई थी किचन में मेरे फ्लिप फ्लॉप पहन के, और ये देखिए मस्त आराम से वो पहन के घूम रही थी पूरे घर में। तो मैंने ये वाले पकड़ लिए, मैंने कहा मेरे को जाना है बच्चों को नहलाने के लिए, तो मैंने ये पहन रही थी। तो कहती है मम्मा मैं ये वाले पहन लूँ, मैं भी आपकी तरह फ्लिप फ्लॉप पहन के काम करूँगी। ये इतना बच्चे कॉपी करते हैं ना, आपको मतलब क्या बोलूँ मैं। और ख़ास करके लड़कियाँ बहुत जल्दी कॉपी करती हैं चीज़ों को। तो वही टैनी यहाँ पे कर रही है, मेरे से कह रही है देखो मम्मा ये कितनी अच्छी है, इतना हल्की सी है मम्मा, इनको पहन के तो मैं फटाक से उड़ लेती हूँ, मतलब जंप कर सकती हूँ देखो। तो मैंने कहा हाँ कर सकते हो। तो मैंने कहा चलो अब ये वाली मैं पहन लेती हूँ। मैंने उसे उतरवा के साइड में रखी, अब मेरे को बाथरूम में काम था, मतलब बच्चों को नहलाना है, तो बस पानी वानी चला के और पानी निकाल के रख के इनको थोड़ा सा मैं गर्म पानी भी ऐड करती हूँ इनके में, क्योंकि घमोरियाँ ना निकलें गर्मियों में, ये एक बेस्ट ट्रिक है। मेरे बच्चों को कभी घमोरियाँ नहीं होती हैं क्योंकि मैं हमेशा उसमें थोड़ा सा गर्म पानी मिला लेती हूँ। गाइस काम सारा हो गया, मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। अब बच्चों को नहला के कर दिया, अभी टैनी ना हनी को भी बेड से गिरा दिया था, मतलब बच्चे ना बिल्कुल भी काम प्रॉपर नहीं करने देते। सो आज का जो वीडियो है मैंने प्रॉपर नाइटी विद फ्लिप फ्लॉप मतलब इनके साथ में बनाया, ये काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी अच्छी दिखती हैं पहनने में, घर में इजीली आप इनको पहन सकते हैं, बहुत अच्छी होती हैं। तो फोकस मेरा इन्हीं पे रहा है आज की वीडियो में कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि घर में भी रहो ना तो भी एड़ियाँ फट जाती हैं बहुत सारी, मतलब मिट्टी गंदगी लगती रहती है। तो अगर सेफ रखना है अपनी एड़ियों को तो भी आप है ना इनको पहन सकते हैं घर में। नॉर्मली सभी आजकल फ्लिप फ्लॉप पहनते ही हैं, मतलब स्लीपर्स पहनते ही हैं, तो इसलिए मैंने भी ये वाले डाली हैं। कभी ये डाल देती हूँ, कभी दूसरी डाल देती हूँ, कुछ ना कुछ कर लेती हूँ। अभी वो बाथरूम में काम करते करते गीली हो गई तो मैं उनको कर नहीं पाई कुछ भी। सो इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल, बाय बाय।